फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हैशटैग क्रिएटिव आरती पोरवाल में। दोस्तों, आज मैं नीट स्टूडेंट्स के लिए बेहद खास वीडियो लेकर आई हूँ। दोस्तों, एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर एक अर्जेंट नोटिस आई है सभी नीट स्टूडेंट्स के लिए। तो दोस्तों, पूरी नोटिस जानने से पहले, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या नए हैं मेरे चैनल पर, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके आगे जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर भी करिएगा। तो दोस्तों, आपको बता दूं, एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर 25 मार्च को अभी अभी बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज़ आई है, अर्जेंट नोटिस आई है सभी नीट स्टूडेंट्स के लिए रिगार्डिंग टू सिक्योरिटी मनी रिफंड। तो दोस्तों, जिन बच्चों का सिक्योरिटी मनी अभी भी रिफंड नहीं हुआ है उनके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। काइंड अटेंशन टू ऑल कैंडिडेट्स रिगार्डिंग रिफंड ऑफ यूजी काउंसलिंग 2020। इट इज़ फॉर इन्फॉर्मेशन टू ऑल कैंडिडेट्स हु पार्टिसिपेटेड इन यूजी काउंसलिंग 2020 डैट एज पर द एलिजिबिलिटी कंडीशन ऑफ रिफंड, द रिफंड ऑफ द सिक्योरिटी डिपॉजिट मेड टू 85,328 कैंडिडेट्स हैज़ बिन डन। 85,328 कैंडिडेट्स का जो सिक्योरिटी मनी है रिफंड कर दिया गया है। तो जो लिस्ट आपको दी गई है उसमें आप देख सकते हैं, काफ़ी लंबी लिस्ट है ये। द रिमेनिंग रिफंड टू 129 कैंडिडेट्स इज इन प्रोग्रेस एंड विल बी कम्प्लीटली बाय एंड ऑफ दिस मंथ। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू नोट द फॉलोइंग, रिफंड हैव बीन सेंड टू सेम अमाउंट फ्रॉम वेयर द सिक्योरिटी डिपॉजिट वॉज रिमिटेड टू एमसीसी एंड अदर इज द रिफंड विल बी क्रेडिटेड टू द कैंडिडेट्स अकाउंट बिटवीन 1 to 15 डेज डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ ऑटोमेशन इन कैंडिडेट्स बैंक। इफ देयर इज इन ऑर्डिनेट delay in crediting the refund, then candidate should take up the matter with the grievance cell officer bank quoting the refund reference, approach their card issuing bank if they raised charge back claim। दोस्तों, इसकी आपको पहले भी इसके रिगार्डिंग एक नोटिस आ चुकी है, चार्ज बैक क्लेम। तो इन केस ऑफ एनी रिफंड रिलेटेड क्वेरीज प्लीज कॉन्टैक्ट, आपको मेल आई डी दी उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एमसीसी रिगार्डिंग रिफंड पेमेंट विल नॉट बी एंटरटेन। तो ये आपको बहुत अच्छी अर्जेंट न्यूज़ जो है सभी नीट एस्पिरेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए जिनका रिफंड अभी नहीं आया था, वो इस लिस्ट में अपना नाम देख लें। इतने बच्चों का रिफंड हो चुका है और जो 129 स्टूडेंट्स बचे हैं उनका 15 दिन के अंदर तक या इस महीने के एंड तक आपका रिफंड आ जाएगा। इस लिस्ट में आपको देख सकते हैं मेडिकल काउंसलिंग कमेटी, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर रिफंड लिस्ट थर्ड एंड फोर्थ, फर्स्ट और सेकेंड लिस्ट इसके पहले आ चुकी है, एक 9 मार्च को आई थी और एक उसके बाद आई थी 19 मार्च को। अब ये एक और लिस्ट आई है जो थर्ड और फोर्थ लिस्ट है। इसमें आप देख सकते हैं बैंक का नाम दिया हुआ है, रोल नंबर दिया, मोड दिया हुआ है, कार्ड नंबर दिया जिस कार्ड से आपने पेमेंट किया है, डेट दिए जिस डेट को आपने पेमेंट किया है। उसके बाद आपको बता दूँ अमाउंट कितना आपने दिया था, 5,000 है, 11,000 है, 5,500 है, वो सब भी दिया, रेफरेंस है। तो इस लिस्ट को आप देख लीजिएगा, 2483 पेज की ये लिस्ट है, 2483 पेज की। तो इतने जो भी कैंडिडेट, जितने कैंडिडेट्स का रिफंड हो चुका है, यानी 85,328 इतने कैंडिडेट्स का इसमें नाम है। तो रोल नंबर वाइज आप चेक कर सकते हैं और जो बचे हुए कैंडिडेट हैं उन्हें भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत जल्द आपका रिफंड आ जाएगा। तो ये लेटेस्ट अपडेट था एमसीसी की तरफ से। अगर आपको ये न्यूज़ अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और मेरे चैनल से जुड़े रहिए हर लेटेस्ट अपडेट के लिए, चाहे वो नीट 2020 की हो या नीट 2021 की हो। थैंक यू।